झाबुआ जिले के मेघनगर में रंभापुर रोड पर पशुपति ऑर्गेनिक्स कथा फैक्ट्री में मैनेजमेंट की लापरवाही के चलते एक मजदूर की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मजदूर कंपनी में काम कर रहा था कि उसी वक्त अचानक मुंह और नाक से खून निकलने लगा। पास ही में एक और मजदूर काम कर रहा था कि वह दौड़ा और उसे पकड़ा और चिल्लाने लगा, लेकिन तब तक कंपनी मैनेजमेंट से कोई भी जवाबदार अधिकारी नहीं आया और मजदूर वहीं मौके पर ही एक घंटे के अधिक समय तक तड़पता रहा, जिसके बाद मजदूर की मौत हो गई। समय रहते हुए फैक्ट्री मैनेजमेंट द्वारा उस मजदूर को अस्पताल ले जाया गया होता तो मजदूर की जान बच सकती थी, लेकिन कंपनी मैनेजमेंट तमाशा देखता रहा। यहाँ किसी ने भी उस समय मजदूर को अस्पताल तक ले जाने की कोई भी व्यवस्था नहीं की। 108 एम्बुलेंस को सूचना की, वह कई घंटों तक उस मजदूर का शव उक्त कंपनी में पड़ा रहा। कंपनी मैनेजमेंट पूरे मामले को दबाने के प्रयास किए गए, लेकिन पूरा मामला मीडिया में आने के बाद प्रशासन हरकत में आया एवं मेघनगर पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेघनल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रवाना किया गया। वहीं झाबुआ से डॉक्टरों ने भी शव का परीक्षण किया। फिलहाल शव को परिजन को सूचित किया गया है, मामले की जांच की जा रही है। झकनावदा से मनीष कुमुट की रिपोर्ट। साथ में काम कर रहे थे तो इसके पहले नाक से खून आया और फिर नाक से ब्लड आने के बाद मुंह से ब्लड आने लगा और फिर उसके बाद शव भराने लगा। हम लोग पानी आने लाए उसके लिए पीने के लिए, तो पानी आने पिलाने का चांस नहीं मिला और उसको फिर उठा के बाहर लाए कंपनी से, तो जब तक वो शांत हो गया कड़ी व्यवस्था नहीं है कि उसी में व्यस्त था, उसको गोदी में लिए था। उसमें ये पाया गया कि बाहरी चोट तो कहीं पाई नहीं गई, इंटरनल एग्जामिनेशन करना बट क्रोनिक लंग डिजीज का दिख रहा था उस टाइप का, और फाइनल ओपिनियन जो आएगा उसकी मृत्यु किस कारण से आई उसके लिए विश्राम जब्त किया हुआ है, केमिकल एनालिसिस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पिछले दिनों अफीम खेती को लेकर केंद्र सरकार की जारी नीति का किसान विरोध कर रहे हैं।